हेलो रिवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक और टॉपिक के बारे में। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप ये सोच रहे हो कि सल्तनत काल पर मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो सबसे पहले हम इसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सल्तनत काल पर जो अलग अलग शासक रहे, जैसे गुलाम वंश चला, तुगलक वंश चला, तो उन पर भी हम अलग अलग वीडियो देखेंगे पार्टिकुलर। तो सबसे पहले हम लोग सल्तनत कालीन को कवर कर लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादातर प्रश्न देखने को हमें मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो सल्तनत कालीन जो व्यवस्था थी, सल्तनत कालीन जो पूरा साम्राज्य चला था, वो इस्लाम धर्म पर मतलब कि बेस्ड था। तो इस्लाम धर्म में बेस्ड था, तो जो सुल्तान हुआ करते थे, वो चीज़ याद रखेगा कि सुल्तान अपने जीवन में भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही इस्लाम को मतलब इस्लाम के जो नियम होते थे उसको पालन करते थे, वो अपने निजी जीवनों में भी इस्लाम के नियमों के अनुसार ही चला करते थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इस्लाम राज्यों का जो स्वरूप था कैसा था, इस्लाम राज्यों का स्वरूप कैसा था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोकतांत्रिक था, ये थोड़ा सा याद रखेंगे, लोकतांत्रिक था। अब हम चलिए बात करते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। तो सबसे पहला पॉइंट सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत की प्रमुख कार्यपालिका का कार्य कौन करता था, तो सुल्तान ही करते थे। दिल्ली सल्तनत की प्रमुख कार्यपालिका का जो कार्य करते थे वो सुल्तान का ही होता था। सर्वोच्च न्यायाधिकारी कौन होते थे, सुल्तान ही होते थे। ठीक है, सर्वोच्च न्यायाधिकारी सुल्तान होते थे। राज्यों में न्याय का स्रोत कौन होते थे, तो वो भी आपका सुल्तान ही हुआ करते थे। यानी कि इनसे तीन चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मंत्रिपरिषद, जो कि इम्पॉर्टेंट है। सुल्तान से ज़्यादा आपका यहाँ पे मंत्रिपरिषद में कुछ पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। जैसे मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था, डायरेक्ट प्रश्न ये पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना गया, तो मजलिस ए खलवत के नाम से जाना गया, मजलिस ए खलवत। और मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती थी वो कहाँ पर होती थी, तो मजलिस ए खास में हुआ करता था, मजलिस ए खास में इनकी बैठक हुआ करता था। अब यहाँ पे देखिए कि सुल्तान, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लगाया, जो सुल्तान होते थे साम्राज्य का सर्वोच्च सेनापति भी हुआ करते थे। यानी कि प्रमुख कार्यपालिका के साथ साथ वो सर्वोच्च सेनापति सुल्तान ही हुआ करते थे। तो ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है मंत्रीगण। तो मंत्रीगण प्रशासन प्रशासन में सुल्तान की सहायता देने के लिए अलग अलग मंत्री होते थे, उन्हीं को यहाँ पे मंत्रीगण कहा जाता था। सल्तनत काल में अनेक मंत्री होते थे, उन्हीं को मंत्रीगण कहते थे। तो मंत्रीगण में सबसे जो फेमस पद था वो था वजीर। ठीक है, वजीर, उसके बाद अरीज ए मुमालिक और दीवाने इंसा, ये तीन जो कि इंपॉर्टेंट है। और यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि दीवाने इंसा क्या होते थे, दीवाने मजलिस क्या होते थे, और साथ ही साथ यहाँ पे सॉरी दीवाने मजलिस नहीं, अरीज ए मुमालिक क्या होते थे और वजीर क्या होते थे। तो वजीर तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री को वजीर कहा जाता था। अरीज ए मुमालिक क्या होते थे, तो सैन्य के जो प्रमुख होते थे, सैन्य विभाग के जो प्रमुख होते थे उनको कहा जाता था अरीज ए मुमालिक। और यहाँ पे दीवाने इंसा क्या होता था, तो शाही जो पत्र विभाग था, शाही पत्र व्यवहार का जो प्रधान हुआ करते थे उसको कहा जाता था दीवाने इंसा। तो ये तीन पॉइंट ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है वजीर, प्रधानमंत्री, अरीजे मुमालिक आपका सैन्य प्रमुख, और दीवाने इंसा हो गए शाही पत्र व्यवहार के जो प्रधान होते थे उनको कहा जाता था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वजीर का जो कार्यकाल होता था उसे किस नाम से जाना जाता था, तो दीवाने विजारत, दीवाने विजारत के नाम से जाना जाता था वजीर के कार्यकाल को। और खजीन क्या होते थे, तो खजीन कोषाध्यक्ष को कहते थे, खजीन कोषाध्यक्ष को। बरीदे मुमालिक क्या होते थे, यहाँ पे देखिए अरीजे मुमालिक सैन्य प्रधान, जबकि बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। तो दोनों कन्फ्यूजन पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे, अरीजे मुमालिक सैन्य प्रमुख, जबकि बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। और यहाँ पे मजमू आधार नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन याद रखिए कि उधार दिए गए धन का हिसाब जो रखते थे उसको कहा जाता था मजमू आधार। ठीक है, मजमू आधार। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे ज्यादा जो प्रश्न से पूछा जाता है वो सल्तनत कालीन जो विभाग थे, अलग अलग शासकों के द्वारा बनाए गए विभाग और सुल्तान से संबंधित पॉइंट्स, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए दीवान ए मुस्तखराज, मुस्तखराज, मुस्त को मस्त से याद रखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा आप याद रख सकते हैं। देखिए मुस्तखराज का हम यहाँ पे मस्त उठा लेते हैं, मस्त। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये पूछा गया कि दीवाने मुस्तखराज जो होता था वो किस टाइप का विभाग था, तो ये वित्त विभाग हुआ करता था, वित्त विभाग। और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अगर हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे तो ज़्यादातर प्रश्न हमसे पूछा जाता है जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी से, और हमें याद भी रहता है कि मतलब अलाउद्दीन खिलजी एक फेमस शासक थे दिल्ली सल्तनत के। तो हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो मस्त था,
याद रखने के लिए बता रहा हूं, बस ध्यान दीजिए। दीवाने मुस्त खराज की स्थापना, मुस्त मतलब मस्त, मस्त खराज की स्थापना किसने कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखने के लिए छोटा सा लाइन याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो बहुत मस्त था, मस्त से मुस्त खराज। अब यहां पर आता है दीवाने कोही। दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी, जो कि एक कृषि विभाग था। याद कैसे रखेंगे? तो जैसा कि हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था, ठीक है, विरोधाभासों के मिश्रण के नाम से जाना गया, रक्त पिपासु कहा जाता था। तो सिंपल सी भाषा में बस ये याद रखिए कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह क्यों कहते थे? मोहम्मद बिन तुगलक को ही, कोही मतलब कोही, दीवाने कोही, कृषि विभाग, मोहम्मद बिन तुगलक, बस। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, किसने स्थापित किया था? बलबन, सैन्य विभाग बलबन। अब इसको याद रखने के लिए एक मूवी को उठाते हैं, वेलकम बैक, आपने देखा है। वेलकम बैक में जो जॉन अब्राहम थे उनका नाम क्या था? अज्जू भाई, ठीक है, अज्जू भाई। तो अज्जू भाई उसमें क्या थे? मुंबई का अखा डॉन मतलब कहा जाता था उनको। तो बलवन थे, यानी कि बलवान थे, अज्जू भाई बलवान। तो बस याद रखिए दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलवान, ठीक है। सैन्य में वैसे भी आप ध्यान रखिएगा कि सैन्य विभाग में जो मतलब कि बलवान होगा, सैन्य विभाग में वैसे भी बलवान होते हैं, तो बस ध्यान रखिए, याद रखने की दीवाने अर्ज सैन्य विभाग बलबन ने इसकी स्थापना कराई थी। इसके बाद आता है हमारा बंदगान, खैरात और इस्तियाक, यानी कि दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तियाक। इसको याद रखने के लिए सिंपल सा तरीका, भोजपुरी में बात करेंगे कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम क्या कहते हैं? मेहमान आता है तो कहते हैं कि खई बह, आई बात आई बड़ा तो खा के जाइएगा, खई बह, ठीक है, भोजपुरी में बात कर रहे हैं। तो खई बह यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ख ई ब, ठीक है, खई ब, ख से हो गया खैरात, ठीक है, खैरात ध्यान रखिए, ई से हमारा यहाँ पे हो जाएगा इस्तिहाक, और ब से हो गया बंदगान। यानी फिरोज शाह तुगलक से पूछा जा रहा है कि खई ब, फिरोज शाह तुगलक खई ब, थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज अलग कर रहे हैं, लेकिन याद रखने में आपको आसानी होगी, याद रखिएगा खई ब, ठीक है। तो ये तीन विभाग इनके द्वारा बनाया गया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात और दीवाने इस्तिहाक, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग का आगे की तरफ बढ़ते हुए अब कुछ और भी पॉइंट्स है जैसे जानना है। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बंटा हुआ था, ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बांटा हुआ था, और जिसे इकता कहा जाता था, इकता या फिर सूबा कहा जाता था, इकता या सूबा। और इकताओं को, यानी कि जब प्रांतों को इकता में बांटा गया, इकताओं को किस में बांटा गया था? सिक्कों में, सिक्कों में, जिसको जिलों कहा जाता था, जिला। और इनका विभाजन भी परागना में होता था, परागना। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया, देखिए कि प्रांतों को इकता में बांटा गया, इकता को सिक्कों में, और सिक्कों को परागना में बांटा जाता था। अब यहाँ पे आप एक लाइन, सॉरी एक वर्ड देख रहे हैं, इकता। इकता प्रथा को स्टार्ट किसने किया था? प्रथा अलग चीज हो, यहाँ पे इकता अलग हो गया, क्योंकि ये मतलब प्रांतों को बांटने का एक छोटा सा मतलब हिस्सा कह सकते हैं, लेकिन इकता प्रणाली अलग होता था, जो भूमि मतलब जो कि वेतन के जगह पे भूमि दिया जाता था उसको कहा जाता था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सल्तनत काल में इकता प्रथा को स्टार्ट किसने किया था, तो इकता प्रथा को स्टार्ट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, इसको समाप्त किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और पुनः इसको स्टार्ट पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने पुनः इसको स्टार्ट किया था। तो ये तीन पॉइंट्स इकता प्रथा से संबंधित याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था, ग्राम, सबसे छोटी इकाई ग्राम। और खालसा भूमि क्या होता था? अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में खालसा भूमि किसे कहते थे? जो केंद्र के नियंत्रण में होती थी भूमि, यानी पूरी तरह से उस पर, उस भूमि पर नियंत्रण केंद्र की होती थी, उसको कहा जाता था खालसा भूमि, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं कर, ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। दिल्ली सल्तनत में उस्र जो था वो किस प्रकार का कर था? पहले तो ये पूछा जाए कि उस्र क्या है? उस्र तो एक प्रकार का कर था, तो भूमि कर था, किस पर लगाया जाता था? तो ये मुसलमानों पर लगाया जाता था, ठीक है, मुसलमानों पर लगाया जाने वाला भूमि कर को उस्र कहते थे। जबकि खराज क्या होता था? तो खराज गैर मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर था, यानी कि उस्र और खराज दोनों ही भूमि कर थे, लेकिन उस्र मुसलमानों पर लगता था जबकि खराज गैर मुसलमानों पर लगता था, ये चीज। उसके बाद आता है हमारा जकात। जकात धार्मिक कर होता था, और जजिया किस पर लगता था? जजिया भी धार्मिक कर ही था, लेकिन जजिया गैर मुसलमानों पर लगता था। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप नीचे कमेंट करके बताइए कि जजिया प्रथा को, यानी जजिया जो कर था वो सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, और ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? दो क्वेश्चन जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जकात एक प्रकार का धार्मिक कर जो कि मुसलमानों पर लगता था, जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर हुआ करता था। तो यहाँ से चार पॉइंट्स और चारों कर याद रखेंगे। अब ये पूछा जाएगा कि सल्तनत कालीन जो कानून था किस पर आधारित थे? तो सल्तनत कालीन कानून तीन चीजों पर आधारित था, शरीयत,
कुरान और हदीस, शरीयत कुरान और हदीस पर आधारित थी। अब है मुक्ताई। मुक्ताई क्या होता था? सल्तनत काल में मुक्ताई, तो मुक्ताई लगान निर्धारण करने की एक मिश्रित प्रणाली होती थी, यानी कि लगान निर्धारण करने की एक प्रणाली थी मुक्ताई। मुक्ताई ये ध्यान रखेंगे, चलिए ये बाद में बात करेंगे, पहले हम यहाँ पे आते हैं। ये पूछा जाएगा कि सल्तनत काल में सरस्वती किस लिए फेमस था? सरस्वती किस चीज के लिए फेमस था? तो यहाँ पर अच्छी किस्म की चावल होता था, अच्छी किस्म की चावल के लिए फेमस है। सतगांव किस लिए फेमस था? तो रेशमी रजाइयों के लिए फेमस था सतगांव। खास खेल जो था वो क्या है? खास खेल, सल्तनत काल में खास खेल, तो सुल्तान की जो स्थायी सेना होती थी उसको एक छोटे से वर्ड में कहा जाता था खास खेल, ठीक है, खास खेल। और यहाँ पे क्या है कि मंगलिक और अराध क्या था? तो बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाला जो मशीन होता था उसको कहा जाता था मंगलिक या फिर अराध, ठीक है। और यहाँ पे कि मसाहत क्या है? तो मसाहत की शुरुआत, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि इसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और ये क्या था? तो जबकि जो भी भूमि होती थी उसको नाप जो करने के पश्चात क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण करते थे। यहाँ पे देखिए मुक्ताई भी आपका लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली थी, लेकिन मसाहत और इन दोनों में थोड़ा फर्क था। इसमें क्या था कि नाप जो करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर भूमि का लगान का निर्धारण किया जाता था। और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे ये देखेंगे, देवल बंदरगाह था ये सल्तनत काल में, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अगर देवल का अगर वर्तमान में स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कराची के कुछ समीप ये आपका देवल स्थित है, आप इसको मैप में भी अभी वर्तमान में देख सकते हैं। तो सल्तनतकालीन प्रशासन से अगर आप इतने सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप एक बार MCQ लगाइए और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। फिर भी अगर इसमें कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ से पूछा था आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।